मानी रही असल स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो बच्चों आज ही मैं साथ शेयर करने जा रही हूँ वीडियो नंबर टू सेंस एंड सेंस ऑर्गन इसका मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर वन शेयर कर दिया था यानी कि आपके साथ मैंने पेज नंबर फोर्टीन और पेज नंबर फिफ्टीन शेयर कर दिया था आज मैं आपके साथ इसकी नेक्स्ट पेज शेयर करूंगी दैट इज़ ऑन ओपनिंग पेज नंबर पेज नंबर सिक्सटीन एंड पेज नंबर सिक्सटीन के ऊपर हम लोग लास्ट टाइम हम लोग अपने स्किन के बारे में डिस्कस करे थे कि हमारी स्किन के अंदर ये एक हमारी आउटर लेयर है इसके नीचे भी हमारी एक लेयर uh, है और इस स्किन का फंक्शन क्या है कि दे बेसिकली प्रोटेक्ट व ऑर्गन इंटरनल्स सिस्टम ठीक है जी अच्छा फिर हम लोग थोड़ा सा वहाँ तक हम लोग ने यहाँ तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था यहाँ तक रिसेप्टर्स तक ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं अपना तो सब उसके बाद यहाँ पे तो टॉपिक आया है जी हमारे पास टच एंड प्रेशर ये एक मतलब यू कैदर फैक्टर है ठीक है इन ह्यूमंस देर देर दे आर मोस्ट टच एंड प्रेशर रिसेप्टर इन द स्किन ऑफ द टंग एंड फिंगर्स टैप ठीक है यानी कि ये जो हमारे पास टंग और जो टच और जब जब कोई चीज़ को जब ये देखिए मैंने ये टच किया अपने आप को तो मुझे मेरे ब्रेन में मैसेज आया कि किसी चीज़ ने मुझे टच किया है तो ये और या फिर कोई चीज, किसी को चीज़ का मेरे साथ प्रेशर आया ठीक है तो ये ज़्यादातर हमारे पास कहाँ पर होते हैं ये हमारे पास हमारे टंग के अंदर होते हैं और दूसरी लोकेशन उन्होंने क्या बताई है हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर ठीक है दिस रिसेप्टर्स डिटेक्ट वेदर ऑब्जेक्ट्स आर रफ स्मूथ हार्ड और सॉफ़्ट ये इन रिसेप्टर्स का, का काम क्या होता है कि ये डिटेक्ट करते हैं कि ये जो चीज़ मैंने टच की है जहाँ अगर मैंने ये पेज टच किया है तो आ दिस पेज टेक्सचर क्या है इस पेज का ठीक है जी उसके बाद फिर आ जाते हैं टच रिसेप्टर्स आर आल्सो अटैच्ड टू हेयर ये जितने भी हमारे पास जो जो टच यानी कि हमारा हमारे हेयर्स के अंदर देखिए अब हमारे बाल अगर मैं अपने बालों को हाथ लगाएं आप लोग अपने बालों को हाथ लगाएं तो आप लोगों को पता चलता है ना कि को, के बाल को बालों को पकड़ा गया था बालों को हाथ लगाया गया है ठीक है तो वो क्या वो क्या है वो कह रहे हैं कि हमारे बालों के अंदर भी ये ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज अगेंस्ट एनी ऑफ द हेयर ऑन द स्किन दर सेप्टासरूम रिलेटेड ठीक है कि यानी और इसी तरह से अगर देखिए अब आप लोग अपने कोई भी जो प्लास्टिक का स्केल होता है उसको अपने सर के अंदर हल्का हल्का रब करके देखें तो देखना कि वो उसके अंदर ना एक स्टिकिंग एबिलिटी आ जाती है वो फिर आपके बालों के साथ सही चिपकता है यूँ बाल उड़ते हैं भम फट जाता है बालों के अंदर ठीक है तो वो कह रहे हैं कि किस वजह से होता है क्योंकि इसके इसके अंदर रिसेप्टर्स ऐसे मौजूद होते हैं नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड्स पेन पेन रिसेप्टर आर मोस्टली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्किन वो कह रहे हैं कि पेन रिसेप्टर जितने भी है ना हमारे पास pain, यान पेन यानी पेन यानी दर्द के आ, का एहसास देने वाले रिसेप्टर्स वो कह रहे हैं कि हमारे पूरी स्किन के अंदर मौजूद हैं दे आर आल्सो फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी और ये आ, रिसेप्टर ना तो सिर्फ हमारे स्किन के अंदर होल स्किन के अंदर मौजूद है बल्कि साथ ही साथ हमारे कुछ बहुत से टिश्यूज़ के अंदर और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर भी देखिए अगर हम लोगों को हमारे स्टमक में किडनी में पेन होती है तो हम लोगों को एहसास होता है कि हम लोगों को पेन हो रही है तो वहाँ पर क्या है ये पेन और मौजूद हैं पेन इज़ यूजफुल बिकॉज इट एक्ट्राइज अ वार्निंग सिग्नल पेन जो हमें जो दर्द हो रही है ये हमारे लिए इस वजह से यूजफुल है कि देखिए जब स्टार्ट स्टार्ट में पे पेन हो रही होगी हम लोगों को तो हमें पता चल रहा होगा कि हमारे फ्लास सिस्टम के साथ गड़बड़ हो रही है कोई ना कोई इट ट्रेस द ब्रेन दैट समथिंग इज रॉन्ग विद अ पार्ट ऑफ अ बॉडी ये बताता है पेन हमें सुई सुबी तो हमें पता आ रही है कि हाँ ये हमारे ब्रेन तक मैसेज आएगा कि मुझे कुछ को, कोई चीज़ चुभ रही है ठीक है वरना अगर वो चीज़ चुभती रहे तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा बड़ी चोट बन जाएगी ठीक है अच्छा उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की टेम्परेचर देर आर देर आर सेपरेट हीट और कोल्ड सेपरेट इन द इन द स्किन हमारी स्किन के ऊपर एक एक और रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि हमारे टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा गर्मी होती है या किसी चीज़ के हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है तो वो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे अब सर्दियाँ हैं सर्दी में हम बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को वो वो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पर सर्दी ज़्यादा है और वो हमारे ब्रेन तक वो मैसेज लेके जा रहे होंगे they are used to detect changes in temperature your finger tips can detect temperature difference uh, as small as 0.5 celsius my jo finger की जो tips hai ये even इतना थोड़ा सा माइन्यूट सा भी टेम्परेचर डिटेक्ट कर जाती हैं ठीक है ठीके? इवन अगर 0.5 जीरो पॉइंट फाइव सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो वो भी टिप्स बता देती हैं कि हाँ इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हुआ है उसके बाद हम लोग बात करते हैं टंग की जिस जिसको हमारे घर में आ, हमारे आम घरानों में बोला जाता है कि जिससे तो फ्लाउं तो जुबान बहुत लंबी है उससे लंबी ज़ुबान के बारे में आज पढ़ते हैं ठीक है तो टेस्ट तो एंड सबस्टांस इट मस्ट फर्स्ट रिजोल्व इन अ मॉइस्चर इन द माउथ ठीक है किसी भी चीज़ को आपने टेस्ट करना है उसकी बारे में जानना है कि उसका टेस्ट कैसा है इज़ दोर और सॉफ्ट उसका टेक्सर के बारे में जाना है तो क्या आप करेंगे उस चीज़ को खाने वाली चीज़ को टच खाने वाली चीज़ को और जुबान पर रखेंगे ठीक है तो तो ही आपको पता चलेगा ठीक है द केमिकल्स इन द सोल्यूशन आर देन डिटेक्टेड ग्रुप इन टेस्ट बर्ड्स एंड टंग उसके बाद फिर मतलब कि हमारा स्लाइबा उस चीज़ को के साथ मिक्स हो जाता है देन अब टेस्ट बर्ड डिटेक्ट्स या हमारी टेस्ट बर्ड जो हमारी जुबान के ऊपर मौजूद है वो उसको उसकी फ्लेवर को डिटेक्ट करते हैं देर आर फोर टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड हमारे पास चार तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं ठीक है विच आर सेंसिटिव टू फोर टेस्ट और यही टेस्ट बर्ड्स जो हैं ये चार यही हर खाने के दर बहुत बड़ा अपना अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं पहला वो कह रहे हैं एक होता है स्वीट मीठा ठीक है सोर खट्टा सॉल्ट यानी नमकीन सा और या बिटर ठीक है मोस्ट फ्लेवर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर बेसिक टेस्ट और जो, 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 जितने भी हमारे पास जितने भी खाने हैं ना ये इसी मोस्टली इसी इन्हीं इन्हीं टेस्ट का कॉम्बिनेशन होते हैं ठीक है मिलाप होते हैं जैसे जिस सालन है हमारे पास या हम कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं ठीक है फॉर एग्जांपल कंटेन लेमन एड फॉर मोर कंटेन शुगर एंड लेमन जूस ठीक है अब लेमन एड की बात करें ठीक है नीमू पानी की तो उसके अंदर शुगर होती है चीनी होती है और लेमन जूस होता है तो शुगर विल गिव अ स्वीट टेस्ट जो उसके अंदर जो चीनी होती है वो लींबू पानी के अंदर वो मीठा टेस्ट दे रही होती है और जबकि लेमन जो होता है वो खट्टा खट्टा टेस्ट दे रहा होता है ठीक है देर आर टेस्ट बर्ड फॉर इच ऑफ द फोर बेसिक टेस्ट दे आर फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंगी के टेस्ट बर्ड हमारी जुबान के मुख्त मुख्तलफ़ जगहों पर पाए जाते हैं ठीक है अब देखिए वो कह रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया है टेस्ट बर्ड का पार्ट ऑफ द टंग मैगनीफाइड टू शो द टेस्ट बर्ड ठीक है ये छोटे छोटे आपको दाने नजर आ रहे हैं ये टेस्ट बर्ड्स हैं और वो कह रहे हैं कि ये ही वो टेस्ट बर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा ठीक है उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी नो नाक हमारे नाक का बेसिकली अगर देखें तो इसका हमारे पास बेसिक फंक्शन क्या है कि एक तो ये ब्रीथिंग में हेल्प कर रही है और दूसरा ये हमारे पास स्मेल में ठीक है आइदर द स्मेल इज प्रेजेंट और अनप्रेजेंट ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं द सेंस ऑफ द स्मेल एंड टेस्ट आर लिंग यानी कि सूंघने की सलाहियत और चकने की सिलाई एक दूसरे से मुंसलिक हैं इफ़ यू हैव अवी कोल्ड और यू पिंच योर नोज़ इट इट इज़ टू टेल whether यू आर eating एन ऑनियन और एन apple। ठीक है अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत ठंडी हो ठीक है और आपको आपकी नोज़ आप अपनी नोज़ को भी आप स, अपनी अपने नोज की सिलाई से इस्तेमाल ना कर रहे हो तो आप ऑनियन खा लें या एप्पल खा लें आप लोगों को प, आ, न, वो को मुश्किल होगी जानने में कि आप खा क्या रहे हैं द नोज़ हेल्प टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ फ्लेवर नोज से खुशबू आएगी ऑनियन की थोड़ी सी मिर्चों मिर्चों वाली और एप्पल की मीठी मीठी वाली जिसकी वजह से आप लोगों को उसके फ्लेवर के बारे में इजीली पता चल सकेगा कि क्या चीज़ है दिस इज बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इन द फूड पास अप द बैग टू द माउथ इन टू द नोज ठीक है और एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ हमारे माउथ के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सिग्नल माउथ से नोज के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं कि ये ये चीज़ हमें खा रहा हूँ ठीक है दस केमिकल्स दैट आर सेंसिटिव टू स्मेल आर इंसाइड द नेचुरल कैविटी और ये जो सेल्स हैं हमारे पास जिज सेल्स हैं जो कि स्मेल uh, कर रही हैं चीजों को ठीक है ये कहाँ पे हमारे अंदर हमारे नाक के अंदर कहाँ पे मौजूद होते हैं नेसल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं ठीक है दे आर ग्रुप टुगेदर दे आर ग्रुप टुगेदर इन अ स्पेस अबाउट द साइज ऑफ द पोस्टेज स्टैंप अबाउट टू सेंटीमीटर्स स्क्वेयर ठीक है अब वो कह रहे हैं कि ये नेसल कैविटी के अंदर ये जो सेल्स होते हैं सेंसिटिव सेल्स जो स्मेल कर रहे होते हैं ये किस गैप से पड़े हुए होते हैं टू टू सेंटीमीटर के गैप से यानी कि टू टू सेंटीमीटर के स्क्वेयर के गैप से पड़े हुए होते हैं दूसरे से एट द टॉप ऑफ द नेसल कैविटी इमडियटली बिनिंग द ब्रेन ठीक है और भी ये मैसेज ट्रेवल कर रहे होते हैं नेसल कैविटी से ब्रेन तक के तक केमिकल्स सेल द फर्स्ट हैव टू है फिल्म ऑफ मॉइस्चर रिच कवर द सेल बिफोर वी कैन डिटेक्टेड जब Uh, वो कह रहे हैं कि जब हमारे ये जो केमिकल्स हैं ये सेंसरी सेल तक जाते हैं सबसे पहले ये मॉइस्चर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं उसके बाद फिर हमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं और देखिए ये मतलब कितना फास्टली होता होगा कि हम लोग जैसे कोई चीज़ सूखते हैं हम लोग को फ़ौर डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ हम ये चीज़ खा रहे हैं सटन टेस्ट एंड स्मेल आर वेरी प्लीज अनप्लीजन कुछ होती हैं चीज़ें जो कि uh, जिनकी खुशबू ना अच्छी होती है ना वो हमें पसंद होते हैं दे आर यूजली प्रोड्यूस बाई आर पॉइजनस और डिकिंग और विच कुल बी हार्मफुल टू द बॉडी अब वो चीज़ें जो होती हैं ना वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हमारे इंसानों के लिए अच्छी नहीं होती तो ये द सेंस ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल दे फॉर प्रोटेक्ट द बॉडी टू फ्राम हार्म इन द सेम वे एज द पेन रिसप्टर ठीक है तो ये जो सेंसेज हैं जो हमारे स्मेल करने की uh, सेंसेस हैं ठीक है ये हम लोगों को बचा लेती हैं कि हम उस हार्मफुल चीज़ को ना खाएँ कि हम जब हम सूंघते हैं तो हमें अनप्लीजेंट स्मेल आएगी जिसकी वजह से हम लोग नहीं खाएंगे ये ये जो है ना ये टेस्ट और टेस्ट की या स्मेल की जो सेंसेशन है हमारी ये इसी तरह से काम कर रही होगी जिस तरह से हमारे यहाँ पेन रिसेप्टर काम कर रहे हैं कि पहले जो पहले पेन हो जाती है फिर हम लोग उस चीज़ से अवॉइड कर जाते हैं ठीक हो गया उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारी आँख के बारे में और आई आँख यानी कि देखिए हम लोग को जो जो भी चीज़ देख रहे हैं वो हम लोग अपनी आँख की वजह से देख रहे हैं अपनी विजन है वो हमारी अब आई डिटेक्ट लाइट ठीक है हमारी आईज क्या करते हैं लाइट को डिटेक्ट करती हैं रोशनी में हम देख सकते हैं द टू आईज़ आर पोजिशन सो दैट ईच वन गिव्स अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू ऑफ योर सराउंडिंग ठीक है हमारी दोनों आंखों इस तरह से अल्लाह बनाई हैं कि हम लोग अगर हमारी एक आंख भी आप बंद कर लेना तो आप एक रुख देख रहे होंगे और एक रुख नहीं देख सकते ठीक है वो आपको उस रुख को देखने के लिए आपको अपना पीपल घुमाना पड़ेगा अब दोनों आंखें इस तरह से डिजाइन की हुई हैं कि जब दोनों आंखों खुली हुई होती हैं तो हम लोग अपने इर्द गिर्द को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दिस बायो बल कल्वर बायो बिनो कल्वर विजन और इसको ऐसे विजन को हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग बिनो कल्वर विजन कहते हैं इच आई गिव्स एन इमेज और पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट हर हमारी आई एक अलग विजन दे रही होती है एक अलग चीज़ दिखा रही होती है मैं वो चीज़ दिखा रही होती जिसके ऊपर हम लोग देख रहे होते हैं ठीक है अब देखिए मैं अगर मैं सामने किसी चीज़, चीज़ को देख रही हूँ तो मुझे उसके पीछे की चीज़ें भी नज़र आना या इस इर्गिर्द की भी चीज़ें नजर आ रही होती हैं द ब्रेन कंपेयर्स द इमेज फ्रॉम ईच आई एंड मेक इट थ्री डायमेंशनल पिक्चर ऑफ दैम ठीक है अब हम लोग जो चीज़ देखते हैं उसको हमारा दिमाग किस में कर देता है थ्री डायमेंशनल पिक्चर में यू ब्रेन कैन ऑल्सो वर्क आउट द साइज ऑफ़ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्राम यू आप जैसे जो चीज़ हम देखे होते हैं उस, ना सिर्फ हमारी उस टाइम हाँ काम कर रही होती है बल्कि हमारा दिमाग भी काम साथ रहा था वी नीड टू आइज हमें दो आंखों की ज़रूरत है बिकॉज विथ ओनली वन आई इट इज़ डिफिकल्ट टू जज डिस्टेंस एंड डेप्थ ठीक है क्योंकि एक आंख से हम लोग सही तरह से, से आ, ना तो डिस्टेंस का पता चल सकता है कि कितना डिस्टेंस है वो ठीक है एक दूरी को हम लोग इजीली जज नहीं कर सकते हम लोग गहराई को जज नहीं कर सकते इजीली ठीक है प्रोटेक्टिंग द आइज अब किस किस तरह से हमारी आइज प्रोटेक्ट की जा सकती है द आईलेट कवर द आइज़ हमारे तो आईलेड है ठीक है इसने क्या किया हुआ है हमारी आंख को प्रोटेक्ट किया हुआ है कवर किया हुआ है एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज और जिसकी वजह से हमारी आंखें डैमेज नहीं होती ख़राब नहीं होती जल्दी वाइल द आई लैशेज और ये जो हमारी आई लैशेज़ हैं फ्लिक्स अवे एंड मैनी डस्ट अप्रोचेज द तो आई जिसको हर वक्त झपकती रहती हैं ये क्या करती हैं कि हमारी आँख के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनको आने से इंटर होने से रोकती हैं डिटेर ग्लैंड प्रोड्यूसियस और डिटेर ग्लैंड यानी आंसू ठीक है ये हमारे आंसू प्रोड्यूस करते हैं एंड व्हेन यू ब्लिंक दिस लिक्विड इज़ स्प्रेड ओवर द आईज ऑफ द और जब हम लोग पर आंखें झपकाते हैं ठीक है तो ये क्या होता है ये जो लिक्विड होता है ना ये जो हमारी आंख के अंदर मौजूद होता है ठीक है तो ये क्या होता है ये इतने से सेकंड में ही वो पानी पूरा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इट वाशिज द सर्फेस ऑफ द आइज और जिसकी वजह से वो जो हमारी जो आइज़ का ये जो ऊपरला सरफेस है ना आंख का अंदर रूना हिस्सा के अंदर आंख के जो, जो अंदर है जो जिसके अंदर वॉ पीपल मौजूद होता है ये जब हम लोग जब पर्क जब कहते हैं तो हमारी जो आंख के अंदर लिक्विड होता है वो एक मतलब बहता है ठीक है हमें महसूस नहीं होता वो एक अलग बात है ठीक है उसके बाद फिर वो क्या होता है कि हमारी आंख के अंदर की जो जो ऊपरली जो लेयर के ऊपर जो गंदगी आई हुई थी ना फ़ौर साफ हो जाती है एंड स्टॉप इट ड्राइंग आउट और इसी तरह से ये जो उस पानी का एक और किरदार ये है कि हमारी आंख को खुश्क हो नहीं होती ठीक है ड्रेन्स अवे फ्रॉम थ्रू द टी डक्ट्स ठीक है और ये किस तरह से होती है टी डक्ट्स के थ्रू हो रहा है ये अमल अच्छा उसके बाद फिर आ जाते हैं मूविंग ऑफ द आइज मूविंग ऑफ द आइस बोथ बोथ आइज कैन बी मूव इन टू द हॉलो और सॉकेट इन द स्कल ठीक है हमारी आइज की ये जो हमारे जो पीपल हैं ये मूव कर रहे हैं ठीक है तो वो कह रहे हैं कि ये हॉलो सॉकेट हमारे सॉलो स्ट्रक्चर है इनका ठीक है द मूवमेंट इज़ बॉट अबाउट द बाय द मसल और ये जो हमारी जो मूवमेंट है आंखों की हमारे जो पीपल की मूवमेंट है इज जस्ट बिकॉज ऑफ वाई दिस इज ऑनली बिकॉज ऑफ योर मसल जिसको कंट्रोल दिस मसल सो दैट योर आईज कैन लुक अप एंड डाउन हम अपने आंखों के इस पीपल को खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने मसल को कंट्रोल करके देखिए जब मैंने सामने देखा तो मैं अपनी आंखों को अगर टिका लूँगी एक जगह पे फोकस रखूंगी तो वो मेरे पीपल इधर उधर तो नहीं होंगे लेफ्ट राइट तो नहीं मूव करेंगे वो उसी चीज़ के पे फोकस कर रहे होंगे ठीक है तो ये दिस इज़ फोकसिंग एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ योर मसल्स ठीक है आई मसल तो ये था आज का लेक्चर आई होप सबको समझ आ गया होगा अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बैलक्राउंड को प्रेस करूँगा से मिलने वाली हर डेट अपडेट सबसे पहले आपको पहुँचेगी मिलती हूँ किसी वीडियो में दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा